अच्छा तो बताओ आप नमाज पढ़ के आए हैं? अच्छा मैं नमाज पढ़ के आए हैं है ना। सलाम तो किए नहीं आपने? सलाम तो किया। कब किए? फिर से करो, मुंह में से उंगली निकालो, फिर करो। अस्सलाम वालेकुम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर ना हिमाद के पापा कर रहे हैं माइक्रोवेव की क्लीनिंग। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करते हैं। मेरा माइक्रोवेव ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा कि कितना गंदा हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ए हटो हटो हटो। नींबू का मांग। अच्छा एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए। अस्सलामुअलैकुम। तो जी यहाँ पर हो रही है माइक्रोवेव की क्लीनिंग। जैसे मैंने आपको बताया दो मिनट रखा था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि नींबू के पानी से जो है ना ये दाग यहाँ पर साफ़ नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग थे। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने दो तीन मरतबा जो है इसमें सीख कबाब बना लिए थे, और उसके बाद जो है ना मैंने क्लीनिंग उतनी अच्छे से नहीं की थी। मैंने बस रफली ऐसे ही क्लीन कर लिया था, और उसके बाद जो है ना मैंने केक बनाया ना, तो वो डबल बेक होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसलिए अभी यहाँ पर जो है ये स्पंज की मदद से इसको घिस रहे हैं। जैसे हम लोग बर्तन घिसते हैं ना, ठीक उसी तरह से घिस कर इन्होंने साफ़ किया था। वैसे मुझे पता था कि ये माइक्रोवेव जो है ना इन्हीं से साफ़ होगा, क्योंकि मैं माइक्रोवेव की क्लीनिंग जो है मैं बहुत कम करती हूँ। जब से मैंने माइक्रोवेव लिया है ना, सॉरी जब से मैंने माइक्रोवेव लिया है तो जब से जो है ना इसकी क्लीनिंग हिमाद के पापा ही करते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं कर लेती हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ें बना लेती हूँ उसके बाद भी यही मुझे साफ़ करके दे देते हैं, क्योंकि ना मुझे इसकी सफाई ज़्यादा जमती नहीं है। थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि एक मरतबा जो है ना मुझसे ये हो चुका है। स्टार्टिंग में जो है मैंने इसको रिप्लेसमेंट ले लिया था स्टार्टिंग के डेज़ में ही, तो वो जो है ना वारंटी में था, तो हमारा काम हो गया था, तो इसलिए जो है ना मैं इसको हाथ नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन्होंने अभी जो है पूरा माइक्रोवेव खोला है, तो मैं यहाँ पर जो है ना उनसे मजाक कर रही थी। मैं अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ, कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स भी इसी तरह से अपना माइक्रोवेव ना खोल दे। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप भी बिल्कुल भी इस तरह से मत कीजिएगा, ये तो इन्हें आदत है, तो ये अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि मैं अंदर से भी साफ़ कर देता हूँ, तो अंदर जो है ना ज़्यादा गंदा नहीं था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, इन्हें जो है सफाई पर लगाकर मैं कहाँ चली गई हूँ। तो मैं अपने दूसरे कामों में लगी हुई थी, दूसरी सफाई में कर रही थी। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। तो मैंने बीच बीच में ना थोड़ा सा शूट कर लिया था, थोड़ा सा व्लॉग बनाने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर नींबू का पानी असर नहीं कर रहा है तो हम किस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही जो स्पंज होता है ना उसको बहुत ज़्यादा सूखा रखना होता है, थोड़ा भी जो है ना गीला रहेगा तो आपका माइक्रोवेव ख़राब हो जाएगा। तो आप उस तरह से मत कीजिएगा, बहुत सूखा एकदम स्पंज लेकर उसके साथ जो है साबुन लगाकर आप उसको अच्छे से घिस के पोंछ सकते हो, जिस तरह से हम लोगों ने पोंछा है। तो ये देखिए अभी जो ना सारा सरफेस क्लीन हो गया है, इन्होंने ही सारा कर दिया था, क्योंकि जब कोई काम करते हैं ना तो बहुत ही सफाई से करते हैं। तो ये भी जो है ना घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, आजकल हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसलिए जो है ना ये सोचते हैं कि चलो मैं अपना टाइम कहीं ना कहीं इस तरह से यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि इंसान जो है ना बैठे बैठे लेटे लेटे कितना अपना टाइम पास कर लेगा, कितना मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, कितना आराम करेगा। तो इसलिए जो है ना ये अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए और अपना थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए काम कर लेते हैं। तो ये देखिए बातों बातों में हमारा माइक्रोवेव क्लीन हो गया है, और ये काम जो है ना हम लोग सुबह सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना थोड़ी सी एनर्जी होती है इंसान के पास काम करने के लिए, क्योंकि रोज़े में जो है ना इतने काम नहीं होते हैं। और मेरी एक बहन ने बोला था कि आप रोज़े क्यों नहीं रख रहे हो, तो डियर मैंने ये बोला था कि रोज़े मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं, ये नहीं बोला था कि मैं रोज़े नहीं रख रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आगे के मेरे पूरे रोज़े हों, इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा माइक्रोवेव अभी अच्छे से क्लीन हो गया है, बस इसकी प्लेट रह गई है, वो भी मैं वॉश कर लूँगी। तो अभी मैं जो है ना यहाँ पर बना रही हूँ, इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मैं पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है। तो मैं आपको टाइम बता दूँ, अभी 12:30 बज रहे हैं और दिन है ट्यूसडे का। तो मैं यहाँ पर अभी अपना फालूदा बना रही हूँ, यानी कि दूध का फालूदा बना रही हूँ, क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है ना, और बाद में जो है ना फिर दिल भी नहीं करता है कि सारे काम कर लो। और कुछ चीज़ें जो है ना अगर हम पहले से रेडी रखते हैं तो जल्दी से हो जाते हैं, अदरवाइज़ जो है इफ्तारी में टाइम लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इफ्तारी से 15 मिनट पहले मैं फ़ारिग हो जाऊँ, सारी चीज़ें रेडी हो जाएं, उसके बाद जो है ना हम आराम से बैठकर इफ्तारी करें। और आजकल जो है ना मैं बहुत कम इफ्तार करने वाले वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना इफ्तार करते वक्त ज़्यादा शूट नहीं करूँ, इसलिए।
तो खैर मैंने यहाँ पर एक लीटर दूध लिया है, उसको मैंने दूसरे वाले गैस पर शिफ्ट कर दिया है और ये वाले गैस पर मैंने रख दिया है चिकन कीमे की स्टफिंग बनाने के लिए। कीमे को मैंने पहले से ही वॉश करके रख लिया है और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने फाइनली चॉप कर ली थी, वो मैंने डाल दिया था ऑयल में। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जो हमारी प्याज है उसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हम इसको सॉफ्ट करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया था और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए नमक ऐड करने के 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे से पानी चिकन ने छोड़ दिया है, तो बस इसी पानी में जो है ना हमारा चिकन पकेगा। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ मसाले। दूध बॉईल हो रहा था तो मैंने इसको लो पर रख कर दिया है। लो पर करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और जब तक कि हमारा खीमा नहीं बनता मैं यहाँ पर कस्टर्ड बना लूँगी। तो कस्टर्ड और खीमा दोनों हमारा एक साथ ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून कस्टर्ड, इसको मैं दूध में घोल लूँगी। उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें इसको दूध में ऐड कर देंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 मिनट में जो है ना हमारा कस्टर्ड बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए पहले जो है ना हम जो हमारे खेमे में मसाले हैं वो डाल देते हैं, वो पकते रहेंगे और हमारा कस्टर्ड भी बन जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी रहने दिया है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कुक करेंगे जब तक कि हमारा जो चिकन है वो पूरा ड्राई नहीं हो जाता, क्योंकि इसकी जो फिलिंग होती है वो थोड़ी सी ड्राई रहेगी। इसकी फिलिंग अगर ड्राई रहेगी तो ही जो समोसा होता है वो क्रिस्पी बनेगा, अदरवाइज़ समोसा जो है ना जब तक हम फ्राई करेंगे तब तक क्रिस्पी लगेगा और बाद में जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको फिलिंग को ड्राई रख लेंगे। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा कोथमीर भी ऐड करूँगी। उसके बाद हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा चिकन का खीमा अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, ये अच्छे से जो है गल गया है, बस थोड़ा सा मसाले में इसको पकना बाकी है। तो इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत टेस्टी बने थे हमारे समोसे। तो आप लोग जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लेमन स्क्वीज करके डाला है और टोटल ये जो तो ये देखिए दूध को पकते हुए जो है ना 5 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है शक्कर। शक्कर आप अपने जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा डालिएगा, कम पसंद है तो कम डालिएगा। उसके बाद हम इसमें ये जो कस्टर्ड है वो डाल देंगे और हमारा खीमा हो गया है, तो मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो कस्टर्ड है वो थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। इसमें जो है हम लोगों को फ्रूट डालना है तो थोड़ा सा गाढ़ा ही रखिएगा, क्योंकि फ्रूट डालने के बाद जो है ना कस्टर्ड पतला हो जाता है और ठंडा भी करना है इसलिए। तो चलिए इसमें मैं और थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, पहले मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो रहा है लेकिन जितनी मैंने क्वांटिटी ली थी वो बिल्कुल सही थी। 1 लीटर दूध के लिए अगर हम 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेते हैं तो बिल्कुल सही मेजरमेंट होगा। तो आप भी जो है ना इसी तरह से डालिएगा, जिसको भी क्वांटिटी का जो है ना अंदाज़ा नहीं होता, कभी जो है ना आपका पतला हो जाता है कस्टर्ड, कभी गाढ़ा हो जाता है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग डालिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए हमारा कस्टर्ड हो गया है, मैं गैस को ऑफ़ कर लेती हूँ। तो मैं किचन के काम से फारिग हो गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 1:01 बज रहे हैं और मुझे जो है ना अभी जाना था शावर लेने के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो है कपड़े डाल देती हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए थे वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सोफे के कवर्स, क्योंकि थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है ना हम लोग आए दिन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, मतलब हमसे जो है ना हाथ के काम तो नहीं होते लेकिन मशीन वाले काम हम लोग बराबर लेते हैं। तो सोफे के कवर्स जो है ना हम लोगों ने निकाल लिए थे डालने के लिए, तो अभी जो है ना मैं सोफे के कवर्स डालूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं शावर लेने के लिए। और मैंने आप लोगों को जो है ना आज की व्लॉग में बालकनी शो नहीं की है, क्योंकि बालकनी की हालत जो है ना बहुत ज़्यादा खस्ता है, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह जो है आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है बालकनी की। इंशाल्लाह इसका भी मेकओवर होगा और जब होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि इस दुनिया से अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म कर दें और ये लॉकडाउन में जल्दी ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
तो जी मेरे सारे काम हो गए थे तो मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए, और मैं जो है ना डायरेक्ट उठी थी फिर 4 बजे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जो क्लिप ऐड की है ये उस वक्त की है जब मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। हिमाद के पापा जब क्लीनिंग कर रहे थे तो मैं यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि पहले तो जो है ना मैंने स्टार्ट किया था फ्रिज की क्लीनिंग करना, उठते ही जो है ना मैं फ्रिज की क्लीनिंग करने पर लग गई थी और मेरी हाफ क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद जो है ना जोहेब सता रहे थे तो हिमाद के पापा लग गए थे मैं कर लूँगा और ये बोलकर, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि आप जो है माइक्रोवेव साफ़ करके दे देना मुझे, मैं फ्रिज कर लूँगी। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखकर जब हिमाद के पापा ने सफाई की थी तो मैंने भी अपनी फ्रिज की सफाई कर ली थी। ये जो बस ऊपर की सफाई है ना वो रह गई थी। और रमज़ान में ऐसे होता है कि हमारा जो फ्रिज होता है ना वो बहुत ज़्यादा काम आता है, जो चीज़ बचती है हम उठा के जो है ना फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सुबह में जो है ना मैंने इसके अंदर की सारी सफाई कर ली थी, सारी जो बची हुई चीज़ें हैं वो सारी मैंने निकाल दी थी, बस ये बाहर का रह गया था और जो इसके शेल्फ वगैरह हैं वो रह गए थे, वो मैं भी साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा जो फ्रिज है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है, वाइट वाइट दिख रहा है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ समोसे। तो मैंने आपको बताया मैंने 4 बजे से अपना काम स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे बनाना था समोसे की पट्टी। समोसे की पट्टियाँ जो है ना मेरे पास नहीं थी और मुझे जो है ना ये समोसे की पट्टी बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला काम लगता है, क्योंकि जब हम इसको बनाने बैठते हैं ना तो कहाँ पर जो है ना टाइम निकल जाता है आपको समझ में नहीं आता है, ऐसे जो है ना टाइम भागने लगता है क्योंकि इसमें जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पहले तो आप इसको बनाएंगे उसके बाद सेकेंगे इसलिए। और ये जो आटा होता है ना मैदे का आटा ये जल्दी से जो है ना रोल भी नहीं होता है इस वजह से। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं सारे समोसे बना लेती हूँ और मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से जो है ना हम लोगों को समोसे को रोल करना है। बस हमें एक कोन बनाना है और जैसे हमें आता है वैसे इसको घुमाते रहना है तो हमारा समोसा बन जाएगा। और अगर आपको देखना है कि मैं जो है समोसे की पट्टियाँ किस तरह से बनाती हूँ तो मैंने कई सारे व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है, अगर आप डालेंगे समोसे की पट्टी वगैरह बोलकर इंडियन मुस्लिम होम फैशन तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से जो है ना आटा लगाकर भी इसको फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बताया है। तो चलिए इसी तरह से जो है ना सारे समोसे हम बना लेंगे। और साथ ही जो है ना मैं इसको फ्राई भी कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया पट्टी बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और समोसे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं जब फ्राई करते हैं तो, और इसको ठंडा होने में टाइम लगता है, तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हिमाद के पापा इसको फ्राई कर रहे हैं। तो समोसे बनाने के बाद जो है ना डायरेक्टली हम चले गए थे इफ्तार करने के लिए और मैंने उसको शूट नहीं किया है। और इफ्तार के बाद जो है मैं अपना YouTube चेक कर रही थी तो मैंने मानिया पैशन का एक वीडियो देखा जहाँ पर दी बोल रही हैं कि वो डॉक्टर के पास जा रही हैं, उनकी अपडेट जो है ना अभी आने वाली है। तो मैं वेट कर रही हूँ, मैं जो है ना कल से वेट कर रही हूँ कि उनकी अपडेट मुझे जल्दी मिले। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और मैं जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि मान्या दी को बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि दी जो है ना सही सलामत अपने बच्चे के साथ अपने घर जल्दी से आ जाए और हम लोगों को जल्दी से अपडेट दे, जल्दी से हम लोगों को गुड न्यूज़ दे। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और कौन कौन मेरी तरह एक्साइटेड है कमेंट में ज़रूर बताना, कौन कौन बार बार YouTube चेक कर रहा है। मैं तो जो है ना कल से चेक कर रही हूँ कि जल्दी से जो है ना हम लोगों को गुड न्यूज़ मिले। अस्सलामु अलैकुम, नमाज मेरी हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर जो है ना मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो हिमाद हैं वो अपना मोबाइल स्टार्ट करके बैठ गए थे। और यहाँ पर जो है हिमाद के अब्बू मुझे दिखा रहे हैं खीमा और ये जो खीमा है ये हम कल बनाएंगे। तो हिमाद के अब्बू मुझे बता रहे थे कि ये ख़राब हुआ है या फिर अच्छा है क्योंकि इसमें जो है ना ग्रीन ग्रीन कुछ लग रहा था तो वो क्रीम थी, तो मैंने उन्हें बोला कि क्रीम है तो उन्होंने फिर से इसको रख दिया है। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग में कीमे का कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं क्योंकि समोसे रखे हुए हैं ना तो चाय समोसा अच्छा लगता है पीने में और खाने में। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ उसके बाद मैं आपसे बैठकर बात करती हूँ।
लोगों का हो गया है, चाय पीने के बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया है और खाना हम लोगों का हो गया है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जो है अभी फिर से जाने वाली हूँ गाँव। क्यों जा रही हूँ तो आपको पता है, मेरी बहन की शादी है तो इसलिए। तो अभी मैं आई थी, मुझे आए हुए जो है ना शायद से सिर्फ 15-20 दिन हुए होंगे, उसके बाद जो है मुझे फिर से जाना पड़ रहा है। तो अभी फाइनली मैं जा रही हूँ शादी के लिए। तो कब जाना है, क्या जाना है, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। इंशाल्लाह हो सकता है मैं ईद के टाइम पर चली जाऊँ। तो चलिए जी, खाना हम लोगों का हो गया है, चाय पीने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट ले लिया था, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, उसके बाद जो है ना अभी मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ कपड़े रखे हुए हैं, वो मुझे फोल्ड करना है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मेरा तो जो है ना कुछ फाइनल नहीं है। कुछ कमेंट मुझे आ रहे थे कि ईद की शॉपिंग आपने की है नहीं की है। हमारे यहाँ तो जो है ना फुल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो शॉपिंग का तो जो है ना कोई मतलब ही नहीं बनता है। शॉपिंग ना हम लोगों ने अभी तक की है, और ये भी नहीं लगता मुझे कि आगे हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो लॉकडाउन है वो 15 मई तक है। तो ईद हो जाएगी, ईद के दूसरे दिन लॉकडाउन खुलेगा। आई डोंट नो खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसलिए जो है ना हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात ऑनलाइन ऑर्डर देने की, तो ऑनलाइन जो है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, लेकिन बात ये हो रही है कि सारी चीज़ें जो है ना मुझे 20 मई के बाद में ही डिलीवर्ड होंगी। तो मुझे नहीं पता कि कब तक होंगी। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो लोग ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन शायद से हो जाएगी 3-4 दिन में। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, अगर वो मुझे डिलीवर्ड हो जाते हैं तो अच्छी बात है, मुझे जो है ना ईद में कुछ नया पहनने को मिलेगा। अदरवाइज़ पुराने कपड़ों में फिर से जैसे लास्ट ईयर किया था हम लोगों ने, वैसे ही ईद करना पड़ेगा। इस बार भी ईद की उतनी कोई खुशी नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सोचा था कि चलो भाई ये वाली ईद किसी तरह से निकाल लेते हैं, इंशाल्लाह अगली ईद हम अच्छे से मनाएंगे, लेकिन इस बार भी वही हाल है। इस बार तो जो है ना हालात बद से बदतर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हालात यहाँ के टाइट हैं। तो हमारे बहुत से चाहने वाले हैं मेरे आसपास में, उनकी भी हालत ख़राब है। तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं, कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो हम लोग जो है ना इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो और वहाँ पर जो है ना आपको चीज़ें सुननी मिलती है, तो थोड़ा सा जो है ना इफेक्ट आप पर ज़्यादा होता है। तो वही हो रहा है हमारे साथ भी, तो इससे थोड़ी सी जो है ना परेशान हैं। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि सबकी परेशानियों का अल्लाह ताला हल निकाल दे, सबको अल्लाह ताला शिफाए कामिल अता फरमाए। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मुझे आप लोगों को ना एक और चीज़ पूछना है, और मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं फ्रंट कैमरे से बात कर रही हूँ तो कैमरे की क्लैरिटी नहीं आ रही है। बैक कैमरे से तो ठीक है, लेकिन फ्रंट कैमरे से मुझे कैमरे की क्लैरिटी नहीं दिख रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि फ्रंट कैमरा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ मैं मोबाइल चेंज करूँगी। तो चलिए व्लॉग को एंड करती हूँ, लेकिन ये मुझे जवाब ज़रूर देना इस बात का। तो चलिए व्लॉग को एंड करती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।